आगे बढ़ते हैं। तारानगर से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया ने जीत का दावा करते हुए कहा कि तारानगर में कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। साथ ही कहा कि गहलोत सरकार के विकास का मुद्दा हावी रहा। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राठौर पर धनबल के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। दाताओं ने वोट डाल दिया है, भाग्य ईवीएम में बंद है। कांग्रेस की ओर से नरेंद्र बुडानिया ने चुनाव लड़ा तो बीजेपी की ओर से यहां पर राजेंद्र राठौड़ मैदान में थे। नतीजा क्या होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नरेंद्र बुडानिया जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहां से। बुडानिया साहब, क्या दावा है आपका? देखिए, तारानगर के अंदर कांग्रेस निश्चित रूप से विजयी होगी, और विजयी नहीं, बहुत अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। राजेंद्र राठौड़ तो चुनाव पहले ही हार गए थे जब चुरू छोड़ा। एक नेता प्रतिपक्ष ये अपनी जगह छोड़ दे तो उसकी हार तो पहले ही हो गई। अब तारानगर के अंदर उन्होंने भाषण दिया कि मैं राजस्थान का प्रतिपक्ष का नेता हूं और मैं यहां काम कम कर पाऊंगा, राजस्थान में घूमना पड़ेगा। तो मैंने कहा राजस्थान तो बहुत दूर की बात है, अब तारानगर की गलियों में घूमना पड़ेगा आपको, दिन में नहीं रात को भी घूमना पड़ेगा आपको। तारानगर में इतने शानदार तरीके से लोगों ने चुनाव लड़ा है और लोगों ने चुनाव लड़ा है, और तारानगर के अंदर ऐतिहासिक विजय होगी कांग्रेस की। और गहलोत साहब की जो नीतियां, जो कार्य काम रहे हैं, जो विकास किया है गहलोत साहब ने, वो अद्भुत है, उनकी योजनाएं अद्भुत है। तो लोगों ने जो है जम के अपना आशीर्वाद दिया है। राजेंद्र राठौड़ जो है कमजोर खिलाड़ी तो है नहीं, सात चुनाव जीत गए हैं वो, छह चुरू से, एक तारानगर से, तो ऐसी सूरत में आपने उनको कमजोर आंकने कहीं भूल तो नहीं कर दी है? देखिए, चुनाव में मेरी भूल नहीं हुई, उनकी भूल हुई है। चुरू में वो जीतते रहे क्योंकि उनके सामने कमजोर कैंडिडेट रहा है, और तारानगर में वो जीते एक बार तो जोड़ तोड़ करके जीते हैं, किसी को निर्दलीय खड़ा कर दिया, किसी को कुछ खड़ा कर दिया, और इस बार तो कुछ कोई निर्दलीय खड़ा नहीं हुआ इनके सामने। सारे के सारे लोगों ने जो है अपना पर्चा विड्रॉ कर लिया। तो लोगों ने बड़ा समझदारी से चुनाव लड़ा है ये, और राठौड़ साहब की भूल थी, उन्होंने कबूल की है बात कि मुझे कार्यकर्ताओं ने फंसा दिया यहां पर। ये थे नरेंद्र बुडानिया जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं तारानगर से, दावा कर रहे हैं कि वो बड़े अंतर से जीतेंगे और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं मतदान के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने फर्जी मतदान की आशंका जताई है, जिसको कांग्रेस ने सिरे से नकार भी दिया है। प्रदेश महासचिव आरसी चौधरी ने कहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए बौखलाहट में अब फर्जी वोटर आईडी के मामले उछाले जा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश, जो नाकाम कोशिश कांग्रेस की, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करी, यहाँ के जो अधिकारी हैं या मैं कहूँ सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने आइडेंटिफाई करा होगा कि कौन कौन यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते, और फिर उनके हज़ारों लाखों की संख्या में इन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए और फिर दूसरे जगह से यहाँ पर लड़कों को लेकर आए, और इस तरह से ये हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पकड़े हैं सारे के सारे। ये कुछ एक तो अरेस्ट भी हुए, बहुतों को भगा दिया गया वहाँ से, बहुतों ने वोट करा होगा। ये देखिए, ये हैं सारे के सारे फर्जी वोटर आईडी कार्ड जो वहाँ पर पड़े हुए मिले। इस तरह से आप देखिए, ये कांग्रेस ने पिछले मेरे ख्याल से चुनाव की तैयारी में जनता की सेवा करने की जगह ये कराए उन्होंने। लोकसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जोटवाड़ा से प्रत्याशी श्री राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब ने जो आरोप लगा रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता का इस तरह के जो आरोप है, ये दर्शा रहा है कि 3 दिसंबर को नतीजों से पूर्व राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब ने हार मान ली है। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की चुनाव में मतदान प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत थी तो वो चुनाव आयोग के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उन्हें शिकायत दर्ज कराते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शुरू से ही अहंकार की भाषा के अंदर, चाहे खुद की पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे क्षेत्र को ग्रामीण और शहर में बांटने का हो, इस प्रकार के जो विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने की,
शायद वो सफल नहीं हो पाई। तो वहीं प्रतापगढ़ में देर रात तेज रफ्तार स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें हादसे में 33 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। कुछ घायलों को एक ट्रक में और बाद में 108 एम्बुलेंस में जिला चिकित्सालय लाया गया। घायलों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जिला चिकित्सालय पहुंचे। दरअसल जाखर ट्रेवलर्स की ये बस मंदसौर से प्रतापगढ़ की ओर आ रही थी। तेज रफ्तार बस हथुनिया गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। ग्रामीणों की सहायता से घायलों को बाहर निकाला गया। एक निजी बस मंदसौर से प्रतापगढ़ आ रही थी, तो लोग बता रहे हैं कि शायद टायर के फटने से अभी तक उसकी जांच नहीं हो पाई है। ये धदुनिया हमारा जो ग्राम पंचायत है, इसके जस्ट पुलिया के पास के अंदर वो स्लिप हो गई, फिर नीचे गिरी। इसके अंदर 13 महिलाएं और 19 पुरुष और एक बच्चा, टोटल 33 लोग घायल हुए हैं, जिनको यहाँ पे अस्पताल में लाने के बाद में इनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। सभी लोग वहाँ से आ चुके हैं। कोई गंभीर कैजुअलिटी के लिए भी मेडिकल रिपोर्ट आ जाए तब मालूम चलेगा, और जो प्राथमिक उपचार है उन सभी का कराया जा रहा है, और साथ ही साथ के अंदर जिस तरह की भी मेडिकल रिक्वायरमेंट होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने चीन के बच्चों में फैल रही बीमारी को लेकर प्रदेश में सतर्कता जारी की है। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य में सर्विलांस बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि राज्य के सभी अस्पतालों में मॉकड्रिल और निरीक्षण करवाने के दिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल राज्य में अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। बुखार और सांस में तकलीफ की शिकायत लेकर के मौके पर पेशेंट्स आ रहे हैं। इस दिशा में भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है और उसमें स्टेट के लेवल पे भी जो गाइडलाइन जो दी जा रही है उसके लिए लेकर के SMS हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास यहाँ पे विशेषज्ञों के लिए पूरी टीम है। यहाँ पे बेड्स की व्यवस्था, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी महकमे वाला अस्पताल है, तो बेड्स की व्यवस्था है। ICU और ऑक्सीजन की पर्याप्त तो यहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी है, और ILI अभी हम यहाँ पे अलग से क्लिनिक भी चलती है हमारे यहाँ पे, और इसके लिए हमने यहाँ टेस्टिंग भी होती है। तो इस तरह से हम इसके लिए तैयार हैं, दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह सब चीज़ को, कि अगर ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जनता से कि इसमें घबराने की है या बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपना बचाव करें, अपने अपनों को बचाव करें, और अगर किसी को जुकाम खांसी बुखार हो रहा तो वैसे भी उसको चाहिए, ये जरूरी नहीं कि चाइना का ही कोई वायरस है, लेकिन उसको चाहिए कि वो अन्य व्यक्तियों से दूर रहे जिससे कि इसके संक्रमण को रोका जा सके। आज से करीब 4 साल पहले कोरोना महामारी की उत्पत्ति चीन से हुई, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बीमारी ने अपना कहर बरपाया। एक बार फिर चीन में एक रहस्यमयी बीमारी घर कर गई है। इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जो ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चीन में बच्चों में निमोनिया के बढ़ते संक्रमण की रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। चीन में अचानक बढ़े संक्रामक H9N2 के मामलों से डर पैदा हुआ है। चीन में फैले इस रहस्यमय निमोनिया की बात करें तो इसके लक्षण में बिना खांसी के तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन शामिल है। न्यूज 18 संवाददाता ने इस बीमारी को लेकर डॉक्टरों से खास बातचीत की। ऐसा कुछ पैंडेमिक दोबारा से आता है तो भारत कितना तैयार है? देखिए, हमने ये देखा कि देखो पैंडेमिक्स ऐसे होते हैं जो जनरली बार बार नहीं होते हैं, अभी हम उसे उभरे हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं। बट जनता ने और सरकार ने मिलकर काफी तैयारी कर रखी है, जो जितने भी पहले, क्योंकि अब काफी रिसेंट ही ये सब चीजें हुई हैं, तो काफी हद तक मेंटल प्रिपेयर्डनेस और वो है। बट हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये सब चाहे आप तैयारी जरूर रखें, बट हम यही विश करेंगे कि इस तरह का पैंडेमिक दोबारा नहीं हो, और एक लाइफ टाइम में एक पैंडेमिक काफी है। चीन ने ठंड के मौसम में सांस की बीमारी में बढ़ोतरी को पिछले साल दिसंबर में हटाए गए सख्त कोरोना प्रतिबंधों को हटाने से भी जोड़ा है।
आप खांसी जुकाम बुखार अगर आपको है तो आप अपने कॉलीग से अगर आप डे ऑफ ले सकते हैं तो आप लें, या आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे पोल्यूशन भी ज्यादा है, सर्दी का मौसम है तो फ्लू और ये सब है, तो जितने भी कोई घर में बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप दूर रखें कि वो जल्दी से इन्फेक्शन ना पकड़ें। फ्लू वैक्सीन है, जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई वो अपना वैक्सीन स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। जिनको सांस की शुगर की बीमारी है वो अपना कंट्रोल अप्रोप्रिएट रखें। हार्ट डिजीज वाले सांस की बीमारियों के लिए सामान्य वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, एडेनो वायरस के साथ साथ माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और बैक्टीरिया है, ये सभी लंग्स इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चीन में कोविड 19 की रोकथाम के लिए जो प्रतिबंध लगे थे वो काफ़ी समय तक थे। ऐसी स्थिति में कोविड के अलावा जो अन्य रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उनके होने की संभावना भी कम हो जाती है। जब ये प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की संख्या अचानक बढ़ सकती है, विशेषतः यह सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है। इस तरह की स्थिति और भी देशों में पहले देखी गई है। चीन में बच्चों में H9N2 मामलों के बढ़ने से भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। देश में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। ये सुविधाएं कोई भी इस तरह के नए जोखिम का सामना करने के लिए सक्षम होंगी, और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ICMR भी कीटाणुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है और हम इसका सामना कर पाएंगे। भारत में चीन की इस नई बीमारी की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और साथ ही बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। प्रदेश में